मंदिर के बारे में, क्योंकि यहाँ हम बगोदर से आए हुए हैं, फर्स्ट टाइम आए हुए, तो उतना हमको जानकारी नहीं है। तो ये बागमारा विधायक ढुल्लू महतो ने बनाया है मंदिर। हेलो गाइस, वेलकम इन माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग बाइक से जा रहे हैं धनबाद आज घूमने के लिए। तो साथ में हमारे दोस्त है जो बाइक अभी ड्राइव कर रहा है। तो फाइनल अभी हम लोग यहाँ घर से निकल चुके हैं और लगभग यहाँ से 1 घंटा लगेगा जाने में। तो आप लोग, तो दोस्तों आज हम आप लोगों को कोई मॉल, पार्क या फिर सिनेमा हॉल दिखाने के लिए नहीं लेके जाएंगे। आज हम एक मंदिर जा रहे हैं घूमने के लिए और काफ़ी फेमस है जो धनबाद एरिया में है। तो लगभग यहाँ से लगभग 70-80 किलोमीटर दूर है और वहाँ पहुँचने में हम लोग को लगभग 1 से 1.5 घंटा टाइम लगेगा। तो वहाँ हम लोग पहुँच के आप लोगों को दिखाएंगे कि आप किस मंदिर के बारे में हम बता रहे हैं। और वो मंदिर जो है वो काफ़ी फेमस है और मंदिर खास हर जगह वो मंदिर नहीं देखने को लिए मिलेगा आप। और वो मंदिर यदि आप देखना चाहते हैं तो यूपी इसका जो भव्य मंदिर है वो भी फिलहाल बन रही है और उसका छोटा सा मंदिर बोला जाए तो राम जी का है, जो भी फिलहाल यहाँ हम लोग पहुँचेंगे 1 से 1.5 घंटा के अंदर। तो हम लोग जहाँ पहुँच रहे हो वो मंदिर का नाम बताएंगे दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहे। आप देख रहे हैं कि इधर जो हम लोग जो लोकेशन तरफ जा रहे हैं उधर काफ़ी जंगल है। आप इधर से लेफ्ट साइड दिखाने की कोशिश करेंगे तो देखिए बड़ा सा एकदम खाई लग रहा है, तालाब है, देखिए वो आपको दिख रहा होगा। कैमरे के थ्रू हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा अप करके। और इधर भी देखिए काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है देखने को मिल रहा है। इससे और अच्छा खूबसूरत नज़ारा आपको हम लोग फाइनली जब लोकेशन तक पहुंच जाएंगे तो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग एकदम इस वीडियो के अंत तक बने रहे और इस वीडियो का ये नज़ारा जो है काफ़ी खूबसूरत है। देखिए काफ़ी संख्या में भीड़ यहाँ पर है और छोटा छोटा बच्चा है जो अभी देखिए बोटिंग का आनंद उठा रहा है। देखिए वाह, तो आप लोग एकदम वीडियो में बने रहिएगा, बहुत मज़ेदार लगेगा। देखिए हम लोग भी अभी यहाँ पे बोटिंग के लिए जाएंगे और हम अपने दोस्तों के साथ यहाँ आए हुए हैं, 3 फ्रेंड्स हैं हमारे साथ यहाँ। फाइनली हम ये बताना चाहेंगे जहाँ हम आए हुए ये लोकेशन ये धनबाद डिस्ट्रिक्ट में है। हाँ, कल लोकेशन पूरा कट करके बारीकी से दिखाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं कि कितना बड़ा सा फ्लैग लगा हुआ है बजरंगबली का, देखिए। और ये मंदिर आपको यहाँ से दिख रहा होगा, इसके अंदर भी हम लोग अभी जाने वाले हैं। देखिए यहाँ पे पार्किंग का एरिया किया हुआ है, ठीक है, पार्किंग के लिए दिया। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं और आप यहाँ से देख सकते हैं कि इधर का नज़ारा जो है, देखिए यहाँ पे एंट्री गेट है आपको। अभी हम धीरे धीरे यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे। आपको पीछे दिख रहा होगा यहाँ से प्रसादी खरीद के लोग पूजा के लिए जा रहे हैं और यहाँ काफ़ी संख्या में भीड़ लगी हुई है। आपको एक एक करके यहाँ के हर चीज़ दिखाऊंगा, तो आप लोग यहाँ बने रहिए। यहाँ पे पार्किंग है, देखिए इधर पार्किंग का अलाउ किया गया है, सारा कुछ यहाँ पे है, सुविधा किया है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और बाकी का जो लोकेशन है आपको हम बैक कैमरा के थ्रू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग बने रहिए। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे मेला भी लगा हुआ है, हमेशा यहाँ पे मेला रहता है। इस मंदिर की खूबसूरती यहाँ से जो है आप यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए काफ़ी ही बड़ा दिख रहा है और ये खूबसूरत मंदिर है। देखिए और यहाँ पे और धीरे धीरे हम यहाँ इसके अंदर जाकर जो भी सारा है उसको भी दिखाएंगे, तो आप लोग इस चैनल पे बने रहे। तो दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ हमेशा भीड़ रहता है, ज़रूरी नहीं कि ये कोई रामनवमी हो या फिर किसी तरह के त्यौहार, तो ही या प्रत्येक दिन इतना भीड़, इससे भी ज़्यादा ही भीड़ आपको देखने को मिलेगा।
यहाँ खाने के लिए भी है, देखिए गुपचुप का इधर है, अभी हम लोग फिलहाल यहाँ हम लोग अंदर जाने वाले हैं, देखिए तुम खा कोई करो ना, चलो नम। ये जो धनबाद डिस्ट्रिक्ट में है और जगह के नाम क्या प्लेस का खास यहाँ पे है, चटाही धाम, चटाही धाम है। तो ये देखिए श्री श्री रामराज मंदिर है, आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है, आप लोग के पूरा भी नज़ारा दिखाएंगे दोस्तों, तो एकदम पूरा वीडियो के अंत तक बने रहे। और जो भाई इस चैनल पे नया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, करके हर मंदिर सामने से दिखाने का कोशिश करेंगे। तो देखिए अभी हम यहाँ से फर्स्ट जो है राम मंदिर घुसने के बाद, देखिए यहाँ पे काफ़ी संख्या में भीड़ है और यहाँ जो है पूजा के लिए भी लाइन लगा हुआ रहता है एक से एक कप। तो फाइनली हम यहाँ पे जो फर्स्ट है वहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, या कौन सा गॉड्स का, देखिए दोस्त ये जो है गणपति जी का है, आप लोग देख सकते हैं। और जो पुजारी साहब है वो देखिए अपना पूजा कर रहे हैं यहाँ पे, लोग भी एकदम पूरा आस्था के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम फिर दूसरे और जा रहे हैं, आपको वहाँ जाने से पहले दिखाते हैं यहाँ का जो है बीच का है, देखिए लोकेशन। तो आप देख सकते हैं कितना ही काफ़ी खूबसूरत है ये मंदिर। और इसके बाद जो ये हमारे यहाँ देखिए ये कौन सा यहाँ पे कौन सा भगवान का मूर्ति लगा हुआ है वो आप लोगों के बीच हम दिखाते हैं दोस्तों। ये यहाँ सामने जो है ये दान पेटी है, दिख रहा है ये जो हनुमान जी का मंदिर मूर्ति लगी हुई है। सेल्फी लेना मना, चलिए ठीक है सेल्फी नहीं लेंगे, दूर से ही दिखा रहे हैं आप लोगों के, देखिए काफ़ी खूबसूरत है। और इसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि छोटा सा एक टेंपल बना हुआ है, अब देख सकते हैं। और यहाँ पे भी बजरंगबली का मूर्ति बना हुआ है जो कि आपको यहाँ से दिख रहा होगा, देखिए काफ़ी संख्या में हमेशा भीड़ रहती है प्रत्येक दिन, देख रहे हो यहाँ सेल्फी के लिए एक से एक लोग है जो अपना सेल्फी ले रहे हैं। देखिए यहाँ भी बच्चा भी है जो भगवान को प्रणाम कर रहा है, देखिए कितना खूबसूरत बच्चा है दोस्तों। इसके बाद यहाँ के जो साइड साइड है वो काफ़ी ग्रीननेस है, हरा चारों तरफ इसका पौधा लगाया गया हुआ है, देखिए काफ़ी खूबसूरत देखने में लगता है। लाइट भी पूरा जलन रही है। तो दोस्तों इसके बाद हम दूसरा लोकेशन में जाएंगे, तो आप लोग एकदम वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब भी जो यहाँ पे फिलहाल है बगल में तो बंद हो गया हुआ कोई मंदिर था, कोई टाइमिंग रहता है लगता है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि टाइमिंग शायद यहाँ पे मंदिर का टाइमिंग रहता है, सर क्या टाइमिंग रहता है क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे जो टाइमिंग रहता है तो कर सकते हैं, और नहीं तो ज़्यादा लेट आप करते हैं तो फिर इस तरह देख सकते हैं कि अभी जो है यहाँ पे बंद हो चुका है। तो फाइनली जो बाहर से आपको दिख रहा है वही देख के ही जाना पड़ जाएगा, देखिए यहाँ पे सेल्फी के लिए यहाँ पे दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों के हम यहाँ के जो पुजारी साहब हैं उन फाइनली मिला रहे हैं, उनसे कुछ बातें भी करवाते हैं और इनसे जानते हैं मंदिर के बारे में, क्योंकि यहाँ हम बगोदर से आए हुए हैं फर्स्ट टाइम आए हुए तो उतना हमको जानकारी नहीं है। तो ये बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो ने बनाया मंदिर, यह राम मंदिर, यहाँ का सारी व्यवस्था जो है
सो हम लोग का बहुत अच्छा है, यात्री को जो आते हैं किसी तरह का यहाँ पाबंदी नहीं है, खुलेआम पूजा करें, दर्शन करें। और हमारे माननीय विधायक जी बहुत यात्री को प्रभावित करते हैं, सब हर तरह की व्यवस्था है, शादी विवाह में भी सब सारी व्यवस्था है, और जो भी है सब बहुत अच्छा तरह का है, यहाँ कोई तरह का मैंने झूठ झमेला नहीं होता है, बहुत सुविधा होती है। आपका नाम क्या? मेरा नाम सुखदेव पांडे। तो इस तरह से मतलब रेगुलर भीड़ रहता है या कोई रेगुलर, रेगुलर? तो अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि जो ये बंद हो गया गेट, तो इसमें कोई टाइमिंग रहता है क्या? हाँ, टाइमिंग है 1 बजे बाबा का भोग लगता है, जिसमें कि 2:30 बजे तक बंद रहेगा। 1 से 2:30 बजे तक बंद रहता है, उसके बाद फिर से पुनः दिया जाता है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जो ये अभी बंद है गेट, वो 1 से 2:30 बजे तक बंद रहता है, और वो बाबा जी का भोग लगता है इसीलिए शायद बंद कर दिया जाता है, फिर पुनः 2:30 बजे खोला जाता है और रात्रि तक खुला ही रहता है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ एक बार जरूर आइए और इस मंदिर का आनंद लीजिए, देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वो सबसे बड़ा मंदिर है यहीं पे, देख सकते हैं आप लोग। देखिए अभी हम यहाँ जाने वाले हैं, देखते हैं यहाँ किस चीज़ का, कौन सा भगवान का तस्वीर लगी हुई है। देखिए देख सकते हैं कि जो घंटी लगी वो भी बहुत बड़ा सा है, देखिए। और यहाँ भी फिलहाल अभी बंद हो चुका है, तो लग रहा है कि लगभग सारे मंदिर यहाँ पे भी बंद हो चुके, क्योंकि टाइम जो है वो 1 बज गया हुआ है। तो दोस्तों बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा नहीं मेरे पास, जो यहाँ पे लगभग 2 घंटा रुक कर के मंदिर के जो भी गॉड है उसको दिखा सके, क्योंकि 1 से 2:30 है वो यहाँ पे भी फिलहाल बंद रहता है। देख रहे यहाँ पे जो फोटो खिंचवाने के लिए भी सुविधा है, तुरंत यहाँ पे फोटो खींच के दिया जाता है, आसन देख सकते हैं से आए हुए। और साइड में कितना घिरने के लिए बहुत अच्छा जगह है, लेकिन अंदर जाने के लिए नहीं मिलता है। देखिए और कितना बड़ा सा फ्लैग लगा हुआ है, देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी तो मंदिर का सारा दरवाज़ा बंद है, तो कोशिश करेंगे कि पुजारी से बात करने के और इस मंदिर के हर एक खासियत को जानने के। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहे, और देखिए अभी लोग सब वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं खुलने का, तब तक सिर्फ सेल्फी का आनंद ले रहा है, इधर उधर घूम रहे हैं लोगों, देख रहे हैं भाई लोग। देखिए चलो चलो चलो, जी हाँ दोस्तों, मैं इस मंदिर के ही बात कर रहा था जो आप लोगों के बता रहे थे, काफ़ी रेयर केस में मंदिर देखने को मिलता है, हर भगवान को मंदिर हर जगह जगह मिलता है, लेकिन जो राम मंदिर हो बहुत रेयर केस में आपको देखने के लिए मिले। तो ये धनबाद में है, हम लोग यहाँ पहुँच गए, ऋषि के बारे में बात कर रहे थे कि आप लोगों के बीच एक ऐसा मंदिर से ब्लॉग शेयर करेंगे जो आप लोग फिलहाल पहले कभी नहीं देखे होंगे, और जो भी नहीं आए होंगे तो आप लोग से बस अनुरोध है कि एक बारी मंदिर आने का ज़रूर कोशिश करें। तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ मंदिर का जो गेट है, आपको दूर से लोकेशन, जो मंदिर का लोकेशन इस प्रकार के है, देखिए ये ग्राउंड है, और जो ग्राउंड भी है वो लगता है संगमरमर के पूरा लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। देखिए जो इस प्रकार का है, ये पूरा मंदिर का है, अंदर होने के बाद इस तरह से चारों तरफ से मंदिर बनी हुई है, और बीच में ये खाली जगह है। Thank you.
मेरा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब अरुण जलवा ब्लॉग, अरुण जलवा। हाँ आइए बात करवाते हैं आपको। पानी का भी सुविधा किया हुआ है और ये सबसे बड़ी खासियत देखिए कि हर मंदिर को घुसने से पहले लोग पैर हाथ धो के नहीं आते, तो इसलिए यहाँ सबसे पहले देखिए यहाँ पानी किया हुआ है कि ऑटोमेटिक यहाँ एंट्री मारते हैं तो सबसे पहले आपको पैर धोना ही पड़ेगा ना चाहते हुए भी। देखिए लोग इस तरह से आ रहे, तो दोस्तों अभी हम लोग जहाँ से बोटिंग हो रहा होगा वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। उधर देख सकते हैं यहाँ से दिख कि जो है सीढ़ियाँ इधर से ही है। अभी धीरे धीरे हम लोग को बोटिंग करने के लिए जाएंगे, देखते अगर टाइम बचता है तो। देखिए दूर से कितना खूबसूरत नज़ारा है मंदिर का, पीछे से आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे काफ़ी संख्या में हमेशा भीड़ रहता है। आप तो देखिए नीचे तालाब है जहाँ पे बोटिंग किया जाता है। तो फिलहाल तो लग नहीं रहा कि यहाँ से जाना होगा, जाना वो बोटिंग जो करने का है वो पूल के वो साइड से है। देखिए उधर बच्चे लोग बोटिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक एकदम बने रहे। तो आप देख सकते हैं कि मंदिर के बाहर है जो वो खाने का भी सुविधा किया गया है। देखिए यहाँ पे कचौड़ी बन रहा है, इधर गुपचुप का लगा हुआ ठेला, सिंगार का भी है। यहाँ अभी आइसक्रीम है, हम फिलहाल तो छोला भटूरा वो सब नहीं खाएंगे, फिलहाल हमें आइसक्रीम अभी खाने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग एक बार ज़रूर से ज़रूर से ज़रूर यहाँ पे देखने के लिए आए, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देख सकते हैं ये जो छोला भटूरा है वो अरे छोला भटूरा मस्त है, इसको खाते हैं, छोला भटूरा खाते हैं। एक किलो ने एक ही में मार देंगे तो दो ले लो, हम लोग एक ही में कर। ले रहे तो देख देख रहे भाई कि छोला भटूरा कितना ही फेमस है यहाँ का, ले लो कोई दिक्कत नहीं। तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ भी छोला भटूरा भी खाएंगे कुछ देर में। देख अभी उससे पहले देखिए हमारे जो दोस्त है आइसक्रीम मेरे लिए खरीद दिया हुआ है, और ये आइसक्रीम देख सकते हैं कि कौन है, ठीक है तो कौन ने बिल्ली है, ठीक है। तो दोस्त देख सकते हैं अभी हम ये आइसक्रीम खाने वाले हैं और ये आइसक्रीम मुझे बहुत पसंद लगता है, ठीक है देख रहे हैं। और ये हमारा दोस्त भी है देख। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ होटल में बैठ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग छोला भटूरा का ऑर्डर दिया हुआ है, बस आने वाला है उसको, उसके बाद यहाँ से हम लोग खाकर सीधे घर के और निकलेंगे। देखिए जो भाई साहब है वो छोला भटूरा पहुँचा दिए हुए, आप लोग देख सकते हैं कि कितना बड़ा बड़ा है। देखिए और एक ठो ले क्या भाई, अभी यहाँ हम लोग तो एकदम अंत तक बने रहिए, बहुत ही मज़ा लगेगा वीडियो में। और भाई लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोग कैसा लग रहा है वीडियो, तब डाल देख तो वैसे देख लग तू। अब देखते हैं यहाँ का छोला भटूरा का स्वाद कैसा है। भगवदर से अच्छा ही है, सीरियसली नहीं बोल रहे भाई, सिर्फ यहाँ के दिल रखने के लिए बोल रहे हैं। धन्यवाद वालों, अपना बगोदर अपना है।
तो दोस्तों अब हम लोग जिस रास्ते से आया था उस रास्ते से हम लोग निकल रहा है। देख रहे हैं टाइम नहीं रहने के कारण बोटिंग नहीं कर पाया। बाय बाय फ्रेंड। तो हेलो दोस्तों, अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो का मैं ही समाप्त करेंगे। तो हेलो दोस्तों, अब ज़्यादा देर इस वीडियो में ना करते हुए मैं ही समाप्त करेंगे। और जितने भी व्यूअर उनसे मैं ही रिक्वेस्ट करेंगे जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि हर तरह के रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे। हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा एक बार ज़रूर कमेंट करें और हमें बताएं। और आप लोग एक बार ज़रूर घूमने के लिए आए ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा ये मंदिर का। आई होप